आपको अपनी ताकत पर, आज आप ये गुरूर को चकनाचूर करके अपना बदला पूरा करूंगी मैं। बदनसीब लोगों से खुशखबरी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। कांटे जिसका मुकद्दर हो उसे फूल कैसे मिल सकते हैं? बुज़दिल हो तुम, तुम्हारे बड़े बड़े दावे मिट्टी में मिल गए। शिकस्त मेरी नहीं तुम्हारी हुई है। गौर से देखो, मैं तुम्हारा ही अक्स, लेकिन एक झूठा अक्स। अगर तुम ये सोचती हो कि तुम मुझे इस तरीके से परेशान कर सकती हो तो बहुत गलत सोच रही हो। बस कीजिए, मुझे और बरगलाने की कोशिश मत कीजिए मामा। आप शुरू से ही मेरी मोहब्बत की दुश्मन रही हैं। मैं अपनी मोहब्बत को इतनी आसानी से लूटने नहीं दूंगा। ए लड़की, तू अपना काम कर, हमें अपना काम करने दे। मैंने कहा लड़की को छोड़ दो, मेरे सर पे इस वक्त जुनून सवार है, कहीं जद में तुम लोग ना आ जाओ। काजी साहब के ताबीज और बंदिश के रहते वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती बेटा। अम्मी, मुझे बोर्डर लग रहा है, अम्मी वो बाहर खड़ी है, आप मुझे भगा दीजिए। अम्मी मुझे बोर्डर लग रहा है। वहम हुआ है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आओ। चलो बेटा आओ, यहाँ कोई नहीं, नहीं। आ जाओ। जोया, कोई नहीं यहाँ पर, कोई भी नहीं है। तसल्ली हो गई ना, यहाँ कोई नहीं है। अम्मी, आप दोनों प्लीज मेरे साथ सोइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, अम्मी बहुत डर लग रहा है। बेटा, ऐसी हालत में अब तुम्हें अकेले छोड़ भी कैसे सकते हैं? तुम चलो हमारे साथ सो जाओ। आओ हमारे साथ ही सो। चलो चलो बेटा आओ, हम तुम्हारे साथ ही सोएंगे। आओ बेटा, चलो चलो। सुकून छीन कर तुम चैन की नींद कैसे सो सकती हो सोया? तुम्हारा मेरा चोली दामन का साथ तो उस दिन से हो गया था, जिस दिन से मैंने हरान की पसंद को ध्यान में रख के तुम्हारा अक्स चुराया था। अब तुम्हारा जिस पे काबू करना मेरी मजबूरी हो गई है, क्योंकि वो मेरे महबूब की पसंद तो है ही, बगैर उसके तो मैं अपने हरान से मिल भी नहीं सकती। उठो जोया, जागो, उठो जोया। उठो जोया, बाहर आओ। उठो जोया, उठो।
उठो जोया। शाबाश, चल आओ बाहर आओ जोया, बाहर आओ जोया, बाहर आओ। शाबाश, चल आओ बाहर आओ, आ जाओ। अब कौन रोक सकता है मुझे जोया के जिस्म पे काबिज होने से? मेरे और हरान के बीच में दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। हरान मेरा है और मुझे हरान से कोई भी और कभी भी नहीं जुदा कर सकता। जोया, अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाओ, मुझे अपने अंदर समाने दो। जोया, रुक जाओ जोया।
जोया अम्मी 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 कुछ नहीं जोया कुछ हम बंदिश के बाहर हैं और चलो चलते चलो कुछ नहीं है हाँ खुशबू तो लग रहा है खाना बहुत लजीज बना ये लीजिए नीलू रोटियां कहाँ हैं बहुत भूख लग रही है लीजिए अम्मी थैंक यू आप भी लो ना बेटा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अरे तुम लोग अचानक बहुत सही वक्त पर आए हो आओ बैठो खाना खाओ हाँ हम दोनों को बहुत जोर से भूख लगी है नीलू इन्हें प्लेट्स दो प्लीज ये लो बेटा नाजिया बेटा आने से पहले इत्तला कर दिया होता हम अरसलान की पसंद का कुछ बना लेते नहीं वो आपको फोन करने वाली थी मैंने उसे मना कर दिया मैंने कहा कि अचानक पहुंचेंगे तो एक सरप्राइज होगा हाँ मना तो इन्होंने किया था लेकिन ये सरप्राइज वाली बात गलत है हाँ कह रहे थे फोन करोगी तो खामखा तकल्लुफ करेंगे ये लोग और ये तमादों वाली इज्जत मुझसे हजम नहीं होगी अरे ठीक है भाई पहले आराम से खाना खा लो बातें तो होती रहेंगी बिल्कुल लो बेटा सादिया नजर नहीं आ रही बेटा वो बहुत थकी हुई है कह रही थी बाद में खाऊंगी आप लोग खाइए मैं सादिया को लेकर आती हूँ अरसलान आप अरसलान को यहीं रहने दो हम अपने दामाद का ख्याल रखेंगे ये हर वक्त चहकते रहने वाली चिड़िया आज इतनी खामोश क्यों है अभी आप कब आए बस अभी अभी और पता चला कि शहजादी खाना नहीं खा रही है थकने की वजह से मैं इस थकान की वजह जान सकती हूँ थकान तो एक बहाना है अभी दरअसल मेरा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा और दिल क्यों नहीं हो रहा था खाने का आज जोहेब आया था और मुझसे नाराज होकर चला गया तो जाने दो ना तुम्हें कब से उस जोएब की फिक्र होने लगी नहीं अब्बी आज मैंने उसे कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया हाँ तो अच्छा किया ना मुझे तो वो एक नंबर का गुंडा लगता था एक आंख नहीं भाता था मुझे वो तुम उस खोचो के लिए ना बेकार ही परेशान हो रही हो क्या बात कर रहे हैं आप अब्बी जोएब इतना शरीफ लड़का है पढ़ा लिखा इतना हैंडसम है वो साधिया तुम्हें क्या हो गया तुम एक खोचू को हैंडसम कह रही हो अभी मैं जोहेब के बारे में कुछ नहीं सुन सकती इसलिए नहीं सुन सकती क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो व्हाट क्यों तुम उससे प्यार नहीं करती नहीं अभी जोहेब मेरा सिर्फ अच्छा दोस्त है सिर्फ दोस्त अक्सर इंसान दूसरे के लिए अपनी चाहत को कबूल करने से डरता है और मेरे ख्याल से तुम अभी इसी कैफियत से गुजर रही हो कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम अपनी मोहब्बत को समझो तब तक बहुत देर हो जाए नहीं अभी ऐसा कुछ भी नहीं है अब कैसा है ये तो तुम बेहतर जानती हो बहरहाल अरसलान नीचे डाइनिंग टेबल पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं जल्दी नीचे आ जाओ वरना उन्हें बुरा लगेगा जी या कहीं ऐसा ना हो कि जब तक तुम अपनी मोहब्बत को समझो तब तक
तक बहुत देर हो जाए। और मालूम है उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ? और वो चला गया। ओ बस कर यार बस। नहीं नहीं अभी और सुन, और तुझे एक और जोक सुनाता हूं। नहीं यार नहीं क्यों? बस बहुत हो गया यार। अच्छा, आज के लिए तेरी मर्जी। हाय असद। हाय। हाय बॉबी। हाय बैठिए बैठिए। असद मैं सुहेब को ढूंढ ढूंढ कर थक गई हूँ। उसका मोबाइल भी ऑफ है। वो आज यहाँ आएगा ना? वो अब यहाँ क्यों आएगा? क्यों आएगा मतलब? वो तुम लोगों के साथ उठता बैठता है, हमेशा यहाँ आता है, तो आज न आने का मतलब? इसका मतलब क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम है? क्या नहीं मालूम? कमाल। उसने तुम्हें बताया नहीं, वो यूएसए जा रहा। क्या यूएस? हाँ, और वो आज ही यूएस जा रहा है। कुछ देर बाद ही उसकी फ्लाइट है। अगर मिलना चाहती हो तो फौरन उसके घर चली जाओ। जोहेब, 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 आंटी जोहेब कहाँ है? वो चला गया सादिया। अब वो अमेरिका से जल्दी नहीं लौटेगा। कुछ काम था उससे। बोलो सादिया, चुप क्यों हो? मुझे बिना बताए वो कैसे जा सकता है आंटी? वो तुम्हें बिना बताए नहीं गया, वो तो तुम्हें अपने दिल की बात बताकर गया है। मुझे पता होता तो मैं उसे जाने नहीं देती, रोक लेती उसे। अगर तुम उसे एक दोस्त की हैसियत से रोकने की कोशिश करती तो शायद वो कभी नहीं रुकती। लेकिन जोहेब के जाने से तुम्हारे दिल में जो तड़प उठ रही है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि तुम भी उसे दिल से चाहती हो। लेकिन जब वो यहाँ था तब तो तुम उसे समझ नहीं सकी, लेकिन अब तो वो बहुत दूर जा चुका है और हमें उसके लौटने का इंतजार करना होगा। सिर्फ इंतजार। सारी सुनो, चलिए बेझिझक चलिए। मुझे मालूम था कि तुम जरूर आओगी। मेरे लिए सारे दरवाजे बंद करके मुझे यहाँ आने पे आपने मजबूर कर दिया है। एक इल्तजा लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। कहो, क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए?
कि तुम कत्ल के गुनाह से बच गई। क्या क्या बताना चाहते हैं आप? कि रेशम मेरे वालिद की कातिल नहीं है? रेशम तुम्हारे वालिद की कातिल है, लेकिन किन वजूहात पर उसने कत्ल किया ये जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। और मैं वो कहानी तुम्हें बतलाता हूं। इसका मतलब वो वक्त आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। हाँ, हमारे मंसूबे का आखिरी पड़ाव बिल्कुल सामने है। मैं अपना काम कर चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। मेरी बहन का तुम लोगों ने करना शायद, लेकिन अब तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए नुकसानदेह। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी को अलविदा कह दो। अलविदा शायद। असली गुनहगार ये नहीं है, कोई और है। कोई और? ये बेचारा तो सिर्फ एक मोहरा है। एक इंसान ने इंसान का नहीं बल्कि एक जिन्जात ने इंसान के जिस्म पर कब्जा करके दूसरे इंसान का कत्ल करवाया है। असली कातिल तो साहिर है। साहिर? तुम्हारे और मेरे बीच कोई नहीं आएगा रेशम। तुम्हारे और मेरे बीच मौत आ चुकी है साहिर। अब बतलाओ सनोबर, अगर तुम रेशम की जगह होती तो क्या करती? क्या आपने जो कुछ बताया क्या ये सच है काजी साहब? अल्लाह को झूठ से सख्त नफरत है। हमने कोई काम ऐसा नहीं करता जो अल्लाह को नागवार गुजरे। सचमुच बहुत बड़े गुनाह का इरादा पाली हुई थी मैं अपने अंदर। अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी ये नदामत के आंसू तुम्हारी सच्चाई की दलील है। अल्लाह भी उन लोगों को माफ कर देता है जो दिल में अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं। अगर माफी मांगना है तो जोया से माफी मांगो, रेशम से माफी मांगो। बहुत बहुत परेशान किया है तुमने उन लोगों को। हाँ काजी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी हैरान से मिलके उसकी अम्मी के पैरों में गिर के उनसे माफी मांगती हूँ। अल्लाह की सलामती ना ही मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ और ना ही तुम मेरे लिए, इसलिए इस ढकोसले की कोई जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, करनी भी चाहिए क्योंकि मैंने आपको बेपना परेशान जो किया है। करेले को अगर चाशनी में भी डुबो दिया जाए ना तो अंदर से उसका जायका मीठा नहीं हो जाता, वो रहता कड़वा ही है। मुझ पे यकीन कीजिए, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। दरअसल मैं गफलत में थी, अब सब कुछ मेरे सामने साफ हो चुका है, इसलिए मैं आपके पास
आपसे माफी मांगने आ रही थी। अच्छा वो आप यहाँ मिल गई। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। वाकई अच्छा हुआ जो तुम मुझे यहीं मिल गए, वरना कहाँ कहाँ ढूंढना पड़ता तुम। उस दिन तो तुम मेरे हाथों बच गई थी, लेकिन आज नहीं बचोगी। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। यकीनन सोनोबर ने तुम्हारा चैन, तुम्हारा सुकून सब कुछ छीन लिया था, लेकिन अब वो बहकावे से बाहर आ चुकी है, पश्चिमान है, शर्मिंदा है। काजी साहब, इसका बहकावे से बाहर आकर माफी मांगना सिर्फ एक नाटक है। छल कपट की नई बुनियाद तय कर रही है ये, और इससे पहले कि ये अपनी नई चाल चले, मुझे इसे खत्म करने की इजाजत दीजिए काजी साहब। नहीं रेशम, सनोबर के रूहानी बदलाव को भले ही तुम उसके चेहरे पर नहीं देख पा रही हो, लेकिन इससे मुझे यकीन है कि अब ये कभी भी किसी के लिए भी परेशानी का बास नहीं बनेगी। काजी साहब, इसे बख्श कर आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। बहरहाल आपकी नजरों के सामने, आपकी इजाजत के बगैर मैं कुछ नहीं करना चाहती, लिहाजा मैं यहां से जा रही हूं। लेकिन तुम अल्लाह से दुआ करो कि आज के बाद मेरी और तुम्हारी मुलाकात फिर कभी ना हो। अम्मी, अम्मी। काजी साहब, मैंने तो सोचा था मैं उनसे माफी मांग लूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर दिल छोटा ना करो सनोबर, तुमने जो रेशम को जख्म दिए हैं उसके भरते ही सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा वक्त गुजरने का इंतजार कर लो, तब तक बहुत देर ना हो जाए काजी साहब, हरान मुझसे दूर ना हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा हरान से मोहब्बत करना तुम्हारे मकसद की कामयाबी के लिए दिखावा नहीं है क्या? तुम वाकई हरान से? जी काजी साहब, शुरुआत में मैं हरान से मोहब्बत करके उसकी अम्मी तक पहुंचना चाहती थी, बाद में कब वो मेरा दिलो जान बन गया मुझे ही खबर नहीं हुई। सोचा था उनसे माफी मांगकर गिड़गिड़ाकर हरान को मांग लूंगी, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ उल्टा हो गया। और इस मसले के सीधे होने की कभी उम्मीद भी न करना, हरान को भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आप भी काजी साहब क्यों कह रहे हैं, क्या मोहब्बत करना गुनाह है? तुम्हारे लिए ये जान लेना काफी होगा कि तुम और हरान कभी एक नहीं हो सकते। इस रिश्ते की मंजूरी भले ही सब दे दे, मगर मैं कभी इसके लिए राजी नहीं होऊंगा। क्यों गाज़ी साहब क्यों? मैं एक जिन्जात हूँ, हरान में भी तो एक जिन्जात की सिफ्त मौजूद है,
मैं उसकी अम्मी की तरह इस कुदरत के कानून के खिलाफ जाके किसी इंसान को पाने के ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ। रेशम ने जो कुछ भी किया उसकी सजा वो आज तक भुगत रही है। मैं नहीं चाहता कि रेशम के रास्ते पर कोई चले। आरान न मुकम्मल जिंसात है और न मुकम्मल इंसान। उसकी यही शख्सियत किसी जिंसात से शादी करने पर सारी इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। आग और आग मिलेंगे तो शोले पैदा होंगे, जिसे मैं किसी कीमत पर भी होने नहीं दूंगा। माफ कीजिएगा काजी साहब, ये आपका सोचना होगा। आप कोई आलिम गैब नहीं जानते। जो आप सोचेंगे वो सच होगा। मुस्तकबिल किसी ने नहीं देखा। हरान के बगैर ना ही मैं जी सकती हूँ, ना मेरे बगैर हरान जी सकता है। मैं हरान को किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक बात याद रखना, तुम अपने रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर मुझे समझना। सिमी अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था, और फिर भाईजान ने तो उसे इजाजत दे दी थी। आ जाएगी, क्यों परेशान हो रही हो? उसे एक दो दिन यहाँ रुकना है, तैयारी करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। ये मुसीबत भी एक ही साथ क्यों आती है? जोया को यहाँ अकेले छोड़ने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन उधर भाईजान की यह हालत देखकर अगर उन्हें मैं नहीं देख पाई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और जोया को काजी साहब ने बंदिश में रहने की ताकीद की है, उसके चलते हम उसे अपने साथ में भी लेकर नहीं जा सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, तुम रुक जाओ, मैं अकेले चले जाता हूँ। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। भले ही वो आपके बड़े भाई हों, लेकिन मुझे उन्होंने अपनी सगी बहन से ज्यादा माना है। उनकी ऐसी हालत के बारे में सुनकर मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? लगता है सिमी आ गई। सिमी तुम? आदाब। जीती रहो। कहाँ रह गई थी? कब से इंतजार कर रहे तुम्हारा? ट्रैफिक बहुत था आंटी। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आओ अंदर आओ। आदाब अंकल। जी बेटा, खुश रहो। सिमी, तुम्हें यहाँ देखकर बड़ी राहत मिली। अब एक दो दिन जोया का ख्याल तुम्हें ही रखना पड़ेगा। आप बेफिक्र होके जाइए, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। अम्मी, जोया, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी और ताबीज का ख्याल रखूंगी। घर के खिड़कियां दरवाजे बंद रखूंगी और सोते वक्त सिमी के साथ ही सोऊंगी। सुबह से कितनी बार आप मुझे बता चुकी हैं। अच्छा जोया, लेकिन फोन करते रहना, हमारा दिल यहीं लगा रहेगा। अब बेफिक्र होकर जाइए, मुझे कुछ नहीं होगा और ताऊ अब्बा को कुछ नहीं होगा। मैं उनके लिए दुआ करूंगी। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची बहुत हिम्मत वाली है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये लीजिए आपका बैग और आपका रुमाल और ये आपका कोट। कौन कहता है कि शादी के फायदे नहीं होते?
शादी के तो बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं अपने सारे दोस्तों को बताने वाला हूँ कि जल्द से जल्द शादी कर, इससे उनका ही फायदा है। तुम हमेशा ऐसी हंसती रहा, बहुत खूबसूरत लगते हो। और आप गुंडों की तरह इस खुले बटन में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लाइए मैं ठीक करती हूँ। चल। अरे भाई अरसलान कहाँ जा रहे हो? ऑफिस। अरे बेवकूफ, इतने दिनों से देख रहे हैं रोज ऑफिस चले जाती हो। अरे शादी के फौरन बाद कोई ऑफिस जाता है क्या? बिल्कुल ठीक, तुम हमारी नाजिया के भोलेपन का फायदा उठा रहे हो। अरे भाई वो कुछ नहीं कहती तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी मर्जी करते रहो। मुझे आप लोगों की नाराजगी की वजह समझ में नहीं आ रही। आप लोग खुल के बताएंगे कि बात क्या है? अरे बेटा, शादी के बाद इंसान सारी फिक्र छोड़कर अपनी बेगम के साथ घूमने फिरने जाता है, और तुम तो इस बात की सुधी नहीं ले रहे। आप तो जानते हैं कि इस वक्त ये प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अरे अरसलान, तुम प्रोजेक्ट की फिक्र करना छोड़ दो, तुम्हारे डैड ने इसका सब इंतजाम कर दिया है। मैनेजर साहब सब देख लेंगे। बिल्कुल। नाजिया बेटे, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी? ये तुम्हारे पापा और मेरी तरफ से हनीमून का पैकेज है। लो। हाँ हाँ लो और जाओ, तैयारियां करो। नाजिया। क्या? आज तुम्हें देखकर मुझे कुछ गाने का दिल कर रहा है। क्या? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तुम जान हमारी हो। Something. बस, कुछ और बातें करते। वो तुमको जो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे। तो गोया आप हमारे गुलाम बनकर रहेंगे। अगर हमारी चाहत को कोई गुलामी का नाम देता है तो भी हमें मंजूर है। अरे अर्चना गाड़ी रोकिए, एक मिनट, वो देखो कितना अच्छा व्यू है, आइए ना, आओ। वाओ, हम 10 मिनट यहाँ रुक सकते हैं? क्या बात हो गई? अरसलान कितना अच्छा व्यू है, आओ ना। वो देखिए कितना अच्छा व्यू है। व्यू आपको पसंद है? आप देखिए, हम तो अपनी पसंद को देखेंगे। अरसलान ये गार्डन है, हाँ कोई देखेगा तो क्या कहेगा? क्या कहेगा, हमारी चाहत पे रश करेगा। अब वो देख हीरो हीरोइन का लाइव प्रोमोस चल रहा है। ओ भाई अलग क्यों हो गए? लगे रहो, जरा जम के रोमांस करो ताकि हम देखने वालों को भी मजा आए। लगता है यार भाई अपनी इच्छा पूरी नहीं करेगा यार। ओ भाई तुमसे रोमांस नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जरा हमें रोमांस करने का मौका दो तो हम रोमांस करके दिखाते हैं। अबे ओए तू घूर गया ना, ओए मारेगा क्या? क्या
मरेगा क्या? देख लूंगा तुझे, तुझे पता नहीं तूने किस पे हाथ उठाया, आज देख लूंगा तुझे। अर्सलान, क्या जरूरत थी उन लोगों से लड़ने की? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। नाजिया तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। पे कोई बुरी निगाह डाले उसे जमीन में जिंदा काट दूंगा। बस सर सिलान, चलो यहां से चलो। मैं अपनी हर कोशिश में नाकामयाब हो चुकी हूँ। काजी साहब के सामने मैं हरान को हर सूरत में पाने और अपना बनाने का दावा तो कर आई हूँ, मगर ये कैसे होगा? रेशम मेरी हकीकत हरान के सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। आज नहीं तो कल हरान को मेरी असलियत का पता चल ही जाएगा। अब कोई चारा नहीं बचा है, कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे हरान को मिलकर सब कुछ बता देना चाहिए। मोहब्बत एक रूहानी जज्बा है, जिस्म और चेहरा पाक मोहब्बत में कोई मायने नहीं रखता। हरान मेरी मजबूरी मेरी बात समझ जाएगा। हाँ, इससे पहले कोई और मेरा राज उस पर जाहिर करे और उसको तकलीफ हो, मुझे ही उसको सच जाके बता देना चाहिए। कैसी हो बेटी? पहली बार जब रमजा के साथ तुमसे मिला था तो तुम्हारे चेहरे के पीछे असली चेहरा देख लिया था मैंने। हैरान मत हो सनोबर, मेरे पास ऐसी सलाहियतें हैं जो शायद किसी के पास नहीं। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम लोग खैरियत से तो हो, रमजा कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। रमजा चाची हमारे बीच में नहीं रही, उनका खून हो गया। क्या, ये सब कैसे हुआ? कौन है ये? ये मेरी चाची है, यही मेरी देखभाल करती थी। मत रो बेटी, मत रो। सचमुच तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं। मैं जो आ गया हूं, यूं समझो कि आज से तुम्हारे दुश्मनों का बुरा वक्त शुरू हो गया है। बस जो बेवकूफी तुम करने जा रही थी वो मत करना। हरान को अगर तुम्हारी असलियत का पता चला तो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मैं तुम दोनों को एक करूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम चाहती हो। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ करो दोस्त, मेरे सब्र की इंतहा खत्म हो रही है। सनोबर से जुदाई का गम अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है। हमजाद, मुझसे नहीं देखा जा रहा, मैं उसे अभी सब कुछ सच बता दूंगी। मैं अपनी तकलीफ तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हरान को तकलीफ में नहीं देख सकती। वो कहाँ चली फुलझड़ी? तेरी को तो लेने के लिए हम आए हैं, कमीने छोड़ दे उसे। चुप, ज्यादा हाथ पर हिलाने की कोशिश की ना तो इस लड़की से हाथ धोना पड़ेगा तुझे। आओ शाहिद, देखो अम्मी अब्बू मिलने आए हैं।